मैं समय दाहोद में हूँ और यहाँ पर तमाम जो लोग आप देख रहे हैं ये दाहोद के सियासी लोग हैं और इन्होंने अभी अभी यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये जो गोविंद नगर का रोड बन रहा है इसका निर्माण रुकवा दिया है। आप देखिए पीछे डंपर खड़े हैं और पीछे तरफ से अगर आपको आप साइड की स्क्रीन में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको रोड बना हुआ नज़र आएगा और यहाँ से अगर आपको कैमरा पेन करके हम बताएं तो यहाँ पर एक बिटुमिन डाला गया है और यहाँ पर रोड बनना था लेकिन बनने के पहले रुकवा दिया गया है। तो हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम जानते हैं, क्या नाम है आपका? आसिफ सैयद, दाहोद शहर कांग्रेस अध्यक्ष हूँ मैं। तो क्यों आप लोगों ने निर्माण रुकवाया? सर 2016 से दाहोद को स्मार्ट सिटी जाहिर किया हुआ है और 2016 से हम लोग दाहोद का जो कामकाज है उसके लिए हम लोग 2016 से हम लोग कोऑपरेट करते आए हैं, लेकिन आज तक ना रोड सही से बन रहे हैं ना गटरें बन रही है। लाखों करोड़ों रुपए की ग्रांट आने के बाद भी हम दाहोदवासी हम लोग इतनी ख़राब परिस्थिति में हम जी रहे हैं कि हमको आज ऐसा लगता है कि स्मार्ट सिटी अगर नहीं जाहिर की होती तो और हम लोग सुखी होते, और स्मार्ट सिटी की जगह आज हम खाड़ा सिटी जाहिर। हम लास्ट टाइम हम कलेक्टर श्री को और चीफ ऑफिसर साहब को हम लोगों ने बार बार आवेदन पत्र दिए, नगर पालिका को ताला भी मारा गया, हमने ट्रैफिक का भी मतलब ट्रैफिक भी जाम किया गया, लेकिन इन लोगों ने कभी भी हमारी बात को नहीं सुना। लेकिन लास्ट टाइम जब हमारा एक डेलीगेशन दाहोद शहर कांग्रेस का चीफ ऑफिसर साहब पास और कलेक्टर साहब पास गया था तब उन्होंने हमें वादा किया था कि एक महीने में हम चालू कर देंगे, तो उन्होंने एक महीने के अंदर चालू कर दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने ये दाहोद की जनता को जो पड़ रही मुश्किलों को उन्होंने अपने ध्यान में लेके डायरेक्ट उन्होंने ये काम चालू किया है, तो मैं उनका ये राष्ट्रीय चैनल पर आपकी आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो रोड है वो रोड की पद्धति कुछ ना कुछ उनके कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर ये पैसा कमाने के लिए आज इस रोड को फिर एक बार दाहोद शहर की जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और दाहोद में जो ये खाड़ा सिटी है अगर अभी जो रोड बन रहा है सर आप इसका विजुअल लीजिए, ये रोड हम ये चाहते थे कि ये रोड को बिल्कुल अंदर से खुदाई करके ले, आप इसका विजुअल देखना, अगर ये इस पर परत बिछा रहे, सिर्फ परत बिछाने का काम कर रहे हैं यानी दाहोद की जनता के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, आप देखना ये अगर पहला पानी गिरेगा तो ये रोड भी धो जाएगा और लोगों के दुकानों और घरों में पानी घुस जाएगा। ये गोविंद नगर वार्ड नंबर 4 है और ये जितने भी आप घर के विजुअल लेना और दुकानों के विजुअल लेना लोगों का लाखों का नुकसान हो जाएगा। तो सिर्फ मेरी यही प्रशासन से यही मांग है कि कॉन्ट्रैक्टरों के जो भी आपने टेंडर दिए हैं उसको उस पद्धति से काम किया जाए ताकि दाहोद की जनता के साथ दोबारा खिलवाड़ ना हो। आप लोगों ने जो काम रोका है उसके बाद प्रशासन के लोग आए आपसे बात करने? मैंने टेलीफोनिक बात की है, कलेक्टर साहब से भी बात करनी चाहिए लेकिन कलेक्टर साहब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंस में है, और इसके जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है उनसे मैंने बात की तो बोले मैं स्मार्ट सिटी की ऑफिस में हूँ और आधा घंटे के बाद आ रहा हूँ, तो वो शायद आधा घंटे का हम वेट करके खड़े हैं, लेकिन अगर वो नहीं आए तो ये कामकाज हम नहीं करने देंगे, और चाहे ये बुलडोजर हमारी लाशों पे भी चलेगा आज तो हम यहाँ सो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, सिर्फ ये रोड गड़बड़ है या जो भी निर्माण हो रहे हैं स्मार्ट सिटी के नाम पे सभी गड़बड़ है? हम जितने भी दाहोद में रोड बन रहे हैं सभी रोडों पे कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। आप अंदर सोसाइटी में जाके रोड देखो इतनी बेकार हालत में है। ये जो गोविंद नगर का मेन रोड जो बन रहा है वो पूरा खोद के बनाया जा रहा है जबकि वो सोसाइटी का रोड है, और ये रोड इतना मेन रोड है कि जिधर इधर से मेन ट्रकें एम्बुलेंस सब निकलती, इसी वक्त सिर्फ एक लेयर ही बिछाई जा रही है। आप उसका क्वालिटी देखिए कितना बेकार क्वालिटी का रोड बन रहा है कि एक बारिश गिरेगी तो रोड गायब ही हो जाएगा, वापस वही हालत हो जाएगी। अगर इस पर कारपेट ही बिछानी थी तो 6 महीने तक इसको क्यों खोदे के रखा हुआ था? ऐसे इसमें बीच में ऐसे तारे ने सब करके 6 महीने तक क्यों रखा हुआ था? अगर कारपेट करना था 6 महीने पहले ही कर देते, अबे 6 महीने बाद आप इस पर कर रहे हो, जबकि यहाँ पे कलेक्टर साहब आए थे आगे सोसाइटी वालों ने रजूआत की थी और उन्होंने कलेक्टर साहब ने खुद बोला था कि ये खोद के बनाएंगे रोड, तो आज देख रहे हैं तो यहाँ पे कारपेट भी छेज रही है, तो ये गलत ही हो रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पे कुछ ठोस काम हो रहा है या ऐसे ही लिपा पोती का काम है? ठोस काम के लिए मैं आपको बताऊँ ना, तो आज से थोड़े दिन पहले ही इधर नगर अनाज मंडी है उसके पास पे एक भूआ गिर गया था, पूरा रोड अंदर धस गया था। मतलब स्टॉर्म वाटर का काम, मेन भूगर्भ गटर का काम सब में झोल चल रहा है। आप अगर देखने जाएंगे ना तो इस रोड की अगर मैं बात करूँ ना, इस पर लेयर पे लेयर चढ़ाने करने की वजह से घरों के स्तर ऊपर आ गए और वहाँ पे पानी घुस रहा है। दूसरी चीज़
कि इन लोगों के जो स्ट्रॉन्ग वाटर और जो भूगर्भ गटर के ढक्कन है ना, इनको ढूंढना पड़ रहे हैं। बारिश गिरती है तो ढूंढना पड़ता है कि ढक्कन कहाँ पर है, क्योंकि लेयर के अंदर वो ढक्कन सारे छुप जा रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। और यहाँ के जो स्थानीय काउंसिलर से जब उनसे चर्चा हुई थी, उन्होंने बोला था कि ये रोड इसीलिए खोद के रखा हुआ है कि इससे हमारी मांग चली कि रोड पूरा खोद के बनाया जाएगा। इसकी जगह पर आज यहाँ पर फिर से एक बार लेयर चढ़ाई जा रही है। ये यहाँ पर कम से कम चौथी या पाँचवीं लेयर है, सिर्फ लेयर पे लेयर चढ़ा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ जनता के साथ, दाहोद की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दाहोद नगर हमारा बहुत अच्छा नगर, मतलब नल गटर और रास्ता उससे बनता है नगर, पर इन्हें नगर की पूरी व्याख्या को चेंज कर दिया स्मार्ट सिटी के नाम पर। ना यहाँ के लोगों को नल की सुविधा अच्छी मिल रही है, ना गटर की सुविधा है, ना रोड रास्ते की सुविधा है। लोगों का जनहानि का पूरा बेहाल हो रहा है यहाँ पर लोग। सांसद और विधायक इस मामले में कुछ नहीं कर रहे हैं? सांसद और विधायक की अगर बात की जाए ना, तो वो लोग उनके काम में व्यस्त है, उनके 2024 के मिशन में व्यस्त है, संसद सभ्य बनाने के चक्कर में, मतलब उनको इस चीज़ से कोई मतलब लेना देना नहीं है। बस उनको उनके भर्ती मेले हो रहे हैं, ये मेले हो रहे हैं, आज इधर मेला हो रहा है, बस मेले ही मेले चल रहे हैं। जनता से कोई लेना देना, जनता ने पेट भर के वोट दे दिए, अब जनता जाने। चलिए, थैंक यू। देखिए, एक बार आपको तस्वीरें देखिए, ये रोड पर काफ़ी पहले गड्ढे बना दिए गए थे ताकि यहाँ पर रोड बनेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से ये डामर बिछाने का, ये एक लेयर बिछाने का काम हुआ। इस क्वालिटी से नाराज़ होकर लोगों ने यहाँ पर इसका निर्माण रुकवाया है। और ये भी कहना है कि इससे जो आसपास की दुकानें हैं वहाँ पर लोगों के घरों में पानी घुस जाएगा। ये तस्वीरें देखिए, काम रुकने के बाद ट्रैफिक भी यहाँ पर जाम हुआ है। और ये तस्वीरें हम आपको दाहोद से लाइव बता रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर 2016 से लोगों को सपने दिखाए जा रहे हैं और अब 8 साल का वक्त हो चुका है। और अगर स्मार्ट सिटी के सपने दिखाने के बाद अगर ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं तो लोगों में निराशा होना स्वाभाविक है। दाहोद शहर के लोग नाराज हैं, ये बात अलग है कि लोग खुल के नहीं बोलते हैं, कि स्थानीय राजनीति की वजह से लोग परहेज करते हैं बोलने में। लेकिन गुणवत्ता भी आप देखिए, जो लेयर आप बिछाई जा रही है, हम आपको तस्वीरें बताते हैं। तो फिलहाल गोविंद नगर में ये काम रोक दिया गया है। गोविंद नगर से हमने आपको लाइव रिपोर्ट बताई। ये देखिए, तमाम रुके हुए हैं। इस पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दाहोद की खबरें को देखने के लिए बने रहिए सीबी लाइव के साथ। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।